पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के रामगंगा विहार मंडल में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से शिव शक्ति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता और रामगंगा विहार मंडल की प्रभारी मदालथा शर्मा भी उपस्थित रहीं। इस दौरान ढोल नगाड़ों और मजीरों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी ने एक साथ हनुमान जी की आरती कर धर्म लाभ कमाया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए देश में अमन और शांति रहने की प्रार्थना की और देश की तरक्की के लिए सभी ने एक स्वर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कार्यक्रम की आयोजक रामगंगा विहार मंडल की मंडल अध्यक्ष वनीता मल्होत्रा रहीं। उन्होंने बताया कि देश में अमर और शांति बनी रहे तथा देश तरक्की करता रहे, इसी उद्देश्य को लेकर आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और प्रार्थना की गई है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, अल्पना रितेश गुप्ता, मदालसा शर्मा, सुनीता सैनी, हेमा खत्री, मंदाकिनी शर्मा, निशा शर्मा, आरती शर्मा, गरिमा गुप्ता के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। इसके द्वारा और कौन कौन मौजूद रहे? आज यहाँ शिव शक्ति मंदिर रामगंगा विहार में हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संयोजिका श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी और हमारी मंडल की प्रभारी श्रीमती मदालसा शर्मा जी और पूरा हमारा महिला मोर्चा मौजूद था और कॉलोनी के सब भाई बंधु थे, बहनें थी, बच्चे थे और हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।